आ गया परिवाद। परिवाद किस में आएगा? तो परिवाद आएगा दो घ में, घ घ, यानी परिवाद भेजा जाता है परिवादी के घर से, घर से ही। इमेजिन करो कि परिवाद कहाँ से आता है, वो घर पे है, चाहे वो कहीं पर भी है, अपने आपके पुलिस स्टेशन पर तो नहीं आया ना, इसलिए वो वहाँ से भेजा, तो घर से सोचेंगे तो दो घ में परिवाद, दो घ, परिवाद कहाँ से है, घर से, तो दो घ में परिवाद। समन मामला, समन, समन की तामील हम कराने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? वैसे तो जानवर बहुत होते हैं, लेकिन इसको, इससे लिंक जो कर रहा है, उसी जानवर का नाम मैंने बताया कि समन की तामील करने जाते हैं हम, उसके पास जाते हैं, इजी गोइंग में जाते हैं, उस अगर वो मिलता है तो उसके सिग्नेचर उसके ट्रस्ट पे ले लेते हैं और वापस आ जाते हैं। यानी हम उसको कुछ ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो बकरी की तरह सिंपल से हो गया बकरी। तो दो ब में हमारा समन मामला, दो ब में बकरी, तो दो ब में हमारा समन मामला। अब आ जाइए वारंट मामला, वारंट, वारंट मामले में हमें उसे अरेस्ट करना ही पड़ता है। अब जानवरों से ही मैंने थोड़ा लिंक जोड़ा है, तो जानवरों में तो जैसे शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और कोई जानवर ले लीजिए वो, लेकिन जो उस परिभाषा में बैठा हुआ है वो है भ, यानी भालू। तो हमें अगर वारंट की तामील करानी है या कुछ कराना, दिमाग में सोचना है, तो भालू की तरह हमें उसे नहीं छोड़ना, तो दो भ में वारंट मामला आ गया।